नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि निदान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि दवाई के ऊपर ऊपर जो होते हैं कुछ इस तरह के जो मार्क्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, लेबल्स आपको दिखाई देते हैं जो कि लाल कलर में होते हैं, पीले कलर में होते हैं और हरे कलर में। कुल चार प्रकार के कलर आपको इस तरह से लेबल्स या दिखाई देते हैं कृषि दवाई के ऊपर। तो इनका मतलब क्या होता है, ये कौन सी दवाई जो है हमारे लिए या पशुओं के लिए जमीन के लिए ज्यादा खतरनाक होती है, इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप कोई दवाई देखकर भी बता सकते हैं ये दवाई कितनी खतरनाक है। तो पहला लेबल जो है कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। आपने अक्सर देखा होगा कृषि दवाई जो आती है उसके ऊपर ऐसा लाल कलर का एक टॉक्सिसिटी लेबल आपको दिखाई देगा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अगर लाल निशान कहीं दिखाई दे आपकी दवाई पर तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, यानी कि ये 1 ml से लगाकर 50 ml तक किसी व्यक्ति या मनुष्य के प्रति किलो वजन के हिसाब से अंदर शरीर के अंदर ये चली जाती है तो उसको नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकती है। इतनी खतरनाक ये होती है, एक्सट्रीमली जो होती है ये डेंजर होती है, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर होती है। तो इसकी पहले बात करें तो पहले मोनोकोटोफास जो आता था कीटनाशक वो रेड लेवल में आता था और बहुत ही खतरनाक कीटनाशक यहाँ पर होता। तो किसान भाई, दूसरा हमारा जो लेबल है हम बता रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं येल्लो लेबल जिसे कहते हैं जो कि पीला कलर का होता है, और ये भी जो होता है लाल कलर से थोड़ा कम खतरनाक ये दवाई होती है। जैसा कि किसी दवाई पर अगर ये निशान मिलता है तो वो लाल कलर की दवाई जो होती है उससे थोड़ी कम खतरनाक यहाँ पर होती है, और ये 51 से लेकर 500 ml प्रति व्यक्ति के का प्रति किलो के वजन के हिसाब से शरीर के अंदर चली जाती है या जानवर के शरीर के अंदर चली जाती है, तो ये खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। और तीसरा जो लेबल है वो कुछ दवाइयों के ऊपर ब्लू कलर में यहाँ पर आता है, जैसा कि देख सकते हैं आप नीला कलर में यहाँ पर ऐसा कुछ निशान देखने को मिलेगा, वो तो होता है लाल कलर और पीले कलर से थोड़ा कम खतरनाक यहाँ पर होता है। उसका अगर बात करें टॉक्सिसिटी की लेवल की, उसकी बात करें कि कितना खतरनाक होता है, तो ये 501 ml से लगाकर 5000 ml तक ये प्रति व्यक्ति 1 किलो के हिसाब से अंदर शरीर के अंदर चला जाता है, तो उसको नुकसान जानवर को या मनुष्य को ये नुकसान पहुंचाता है, ये कम खतरनाक थोड़ा होता है। तो किसान भाइयों, ये नीले कलर का जो लेबल होता है ये अक्सर हम देखते हैं कि किस पर होता है, तो ये हम जब बीज उपचार करने के लिए थीरम लाते हैं उस पर ऐसा निशान आपको देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा कम खतरनाक यहाँ पर होता है। और आखिरी जो हमारा लेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं हरे कलर का आता है, ग्रीन कलर का, यानी कि बहुत ही कम खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता, इसके ऊपर सावधान लिखा होता है, और ये भी टॉक्सिसिटी लेवल है अक्सर दवाइयों पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी रेड लेवल की जो जितनी दवाइयां आपको मिलती थी निशान वाली वो बंद हो चुकी हैं, केवल वो आपको चूहे मारने की दवा पर या फिर मच्छर मारने का एक आता स्प्रे उस पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये हरे कलर का है जो अक्सर आपको बहुत सारी दुकानों पर दवाइयों पर आपको। इसके अगर हम खतरनाक होने की बात करें तो ये बहुत ही कम खतरनाक यहाँ पर होता है, और 5000 से ज्यादा ml प्रति व्यक्ति 1 किलो के हिसाब से शरीर के अंदर चला जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये खतरनाक हो सकता है। तो किसान भाई, आपने मेनकोजेब फंगीसाइड खरीदा होगा उसके ऊपर जो है ये हरा निशान आपको देखने को मिल जाता है, और कई सारी कीटनाशक आती है जिस पर ये निशान अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर वाले जो ज्यादा खतरनाक होते हैं वो बहुत ही कम दवाइयां यहाँ पर मार्केट में मिलती है, क्योंकि जो खतरनाक दवाइयां हैं वो गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दी है। तो उम्मीद है किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो था आपको समझ में आया होगा कि लाल निशान वाली कितनी खतरनाक होती है, पीले निशान वाली कितनी खतरनाक होती है, और नीले कलर और हरे कलर वाली। तो अधिकतर जो दवाइयां हैं हमें रेड कलर में अगर आपको मिले तो नहीं लेना है, क्योंकि वो बैन हो चुकी है। अगर कीटनाशक आपको मिले तो चूहे मारने की दवाई आपको मिल जाएगी, और कीटनाशक आपको मिलते हैं तो वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही पहले बंद हो चुका है। अभी जो दवाइयां कीटनाशक दवाइयां जो मिल रही हैं वो हरे कलर में जो लेबल्स आते हैं उसमें मिल रही हैं, कि जो कि बहुत कम खतरनाक हमारे लिए, पशुओं के लिए और हमारे खेत के लिए होती हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।